सतना जिले से अब मैहर अलग होकर नया जिला बन गया है। मैहर को जिला घोषित कर दिया गया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मैहर पहुंचे और मैहर को सतना जिले से अलग कर मैहर जिला कर दिया। मैहर पहुंचकर शिवराज सिंह चौहान ने सबसे पहले मां शारदा के दर्शन किए। सीएम ने इमोशनल कार्ड खेलते हुए कहा कि माई के दरबार में आया हूं, आप लोग यहां माई के चरणों में बैठकर सच बताना कि मैंने सरकार अच्छे से चलाई कि नहीं। मैहर देवी धाम पहुंचकर मां शारदा की पूजा अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली का आशीर्वाद मांगा और फिर पूजा अर्चना के बाद सीएम ने बंधा बैरियर के पास एक जनसभा को संबोधित किया। सीएम ने सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता कमलनाथ को निशाने पर लेते हुए जनता से अपील की, जो व्यक्ति विकास न करे बल्कि राशि न होने का रोना रोए, या ऐसे को मुख्यमंत्री बनाओगे कि जो विकास की गंगा बहा रहा हो। वहीं मुख्यमंत्री ने मैहर को जिला घोषित किया और कलेक्टर एसपी की पदस्थापना की, साथ ही शारदा लोक बनाने की घोषणा भी की। मैहर में हरी की पौड़ी बनाने का भी वायदा किया। बरगी नहर के माध्यम से नर्मदा के जल से सतना जिले की धरती को सिंचित करने की बात कही। सीएम ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि वो सरकार नहीं परिवार चलाते हैं, जनता के दुख दर्द को दूर करने की कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। और इसलिए नर्मदा जी के पानी के लिए टनल में लगातार बहुत विपरीत परिस्थितियों में मैं भी अंदर घुस के आया था, काम चल रहा है तो पूर्णता की ओर होगा। तो दोनों तरह की चीजें जो इस जिले की जिंदगी, सतना जिले की समृद्धि के लिए आवश्यक है, खेतों के लिए पानी, दूसरी बड़ी चीज ये है कि पीने का पानी का इंतजाम भी घरों में नल से होता है। एक जल क्रांति जैसी हो रही है, हैंडपंप के बजाय अब हम नलों से पानी पियेंगे। 287 गाँव है, एक योजना का काम पूरा हुआ है, किया गया है और बाकी भी बाढ़ सागर से पानी ला के हम काम कर रहे हैं। यहाँ का रिंग रोड हो, हर की पौड़ी बनना हो, विकास के अन्य काम हो, गिनाने की आवश्यकता नहीं, माटी के पास से ही सारे काम हो रहे हैं। और जनता के कल्याण की दृष्टि से भी लाडली बहनों सहित अनेक योजनाएं हैं, जनता की जिंदगी को परिवर्तित कर रही है। एक बार फिर मैहर जिले की जनता को बहुत बधाई देता हूँ। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।